नमस्कार दोस्तों, मेरे बेटे का आज बर्थडे था तो आज हम लोग घर पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है। ये वो छत पे गया हुआ था और फिर घर आके अलग अलग पोज बना के हम लोगों को थोड़ा वो स्पाइडरमैन बन के दिखा रहा था कि देखो मम्मी मैं स्पाइडरमैन बना हूँ, तो बहुत मस्ती कर रहा था। और ये थोड़ा बहुत पोज बनाया है वो फ़ोटो ताकि उसका अच्छा आए इसलिए। और ये खाना कुछ टेस्ट किया होगा वो, कुछ टेस्ट करके उसका चेहरा देखिए। और ये पनीर कोरमा बनाई थी मैं उसके बर्थडे के लिए, स्पेशल डिश बनाई थी वेज में विदाउट गार्लिक और अनियन। हम लोग जिस दिन वेज खाते हैं उस दिन हम लोग अनियन गार्लिक नहीं लेते हैं, और गुरुवार था उसका बर्थडे तो अनियन गार्लिक नहीं डाले थे। और ये मैं थोड़ा चना दाल बनाई थी, एक और डिश बनाई थी। और ये पायस है, देखिए ये पायस हम बनाए हैं। हम लोग बर्थडे में पायस देते ही है बच्चे को, जिसको खीर बोलते हैं। ये खीर में बनाई थी काजू बादाम डाल के और खजूर गुड़ डाल के, तो ये पायस भी बहुत टेस्टी बनता है। और ये काजू को मैं थोड़ा सा घी में थोड़ा सा फ्राई करके फिर डाली थी। और ये मिष्टी दही और रसगुल्ला जो बांग्ला हम लोग देते ही है हमारे बर्थडे में बच्चे लोगों को, हम लोग कोशिश करते हैं कि मिष्टी दही जो है वो दे, क्योंकि वो हमारे यहाँ का एक बहुत ही एक चाहिदा एक डिश है। और ये रसगुल्ला है। और ये मैं पुलाव बनाई थी, बासंती पुलाव। ये भी बहुत इजीली बन जाता है और बहुत अच्छा बनता है, और रेसिपी भी बहुत इजी है। मैं कभी बनाऊंगी तो ज़रूर रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। इसको बासंती पुलाव बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा प्याज को फ्राई करके भी डाला जाता है, पर मैं नहीं डाली थी। और ये देखिए, ये जो भी मैं डिश बनाई थी उस दिन उसका एक फ़ोटो ली थी ताकि देखने में अच्छा लगे। ये उसको परोसी थी मैं, परोस के फिर मैं उसका फ़ोटो ली थी। और ये उसके पापा उसको दे रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक्चुअली एक रिवाज है कि जो बड़ा है वो खाना खिलाते हैं बच्चे को। और ये उसका दीदी है, उसका दीदी उसको खाना खिला रही है, वो बहुत खुश है। और ये फाइव टाइप्स का जो फ्राई होता है वो मैं उसको दी थी। देखिए ये परवल, फिर भिंडी, कुमड़ा, बैंगन, आलू का फ्राई, और बाकी जो भी डिश में बनाई थी वो मैं उसको परोसी थी। और ये देखिए वो खा रहा है, कितना अच्छे से खा रहा है। उसको बहुत अच्छा लगा कि उसके बर्थडे में इतने अच्छे से काशा के बर्तन में, हम लोग काशार थाला जिसको बोलते हैं बांग्ला में, काशार थाला, काशार बाटी, उसमें हम परोसते हैं। दोनों बच्चों को ऐसे ही परोसती हूँ। और ये शाम को हम लोग कुछ देर बाद गए थे मॉल, उसको स्नेक एंड लैडर चाहिए था तो उसको ख़रीद के देने के लिए हम लोग गए थे। और लौटते वक्त वहाँ से एक केक लेके आए थे उसके लिए छोटा सा, देखिए बाबा सोना लिखा हुआ है, और कैंडल्स हम जलाए हैं ताकि उसको थोड़ा अच्छा लगे, क्योंकि हम किसी को बुलाते नहीं हैं बर्थडे के दिन, हम लोग बाद में सेलिब्रेट करते हैं। और ये वो अभी अपना जो कैंडल्स है वो बुझा रहा है, और केक काटेगा भी। ये देखिए केक काट रहा है वो, और हम लोग क्लैप कर रहे हैं। और उसके पापा जो है वो वीडियो कर निकाल रहे थे इसलिए वो नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, तो वो केक काट रहा है, छोटा सा केक है, दीदी को खिला रहा है वो। ये देखिए दीदी को वो खिला रहा है और दीदी भी उसको खिला रही है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा है कि क्रीम वाला केक आया है घर पे। क्योंकि क्रीम का केक जनरली हम लोग तो घर पे तो बना नहीं पाते हैं, तो क्रीम का केक और मुझे भी खिला रहा है। और ये रात का जो डिश है, दाल मखनी बनाई थी मैं और भटूरे बनाई थी, वो भी घर पे ही बनाई थी, बाहर से कुछ खाना कुछ भी नहीं लाई, तो वो भी ये बच्चे लोग बहुत एंजॉय करके खाए। ये देखिए दोनों बच्चे खा रहे हैं। और लास्ट में हम लोग उसको थोड़ा सा वो कोल्ड ड्रिंक में आइसक्रीम डाल के दिए थे। ऐसे ही हम लोगों का सेलिब्रेशन ख़त्म हुआ। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।